ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर और सदन की स्थायी समिति के 6 मेंबर्स का चुनाव 6 जनवरी को होना है। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने शैली ओबेरॉय का नाम मेयर पद के लिए तय किया, तो वहीं डिप्टी मेयर के लिए मोहम्मद इकबाल उम्मीदवार होंगे। आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार पद को लेकर पार्टी की पीएसी की बैठक हुई। इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई गई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मेयर पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। शुक्रवार को हुई पीएसी की बैठक में 6 नामों पर चर्चा हुई, जिसमें एक नाम मेयर पद के लिए, एक डिप्टी मेयर पद के लिए और 4 स्टैंडिंग कमेटी के लिए है। पटेल नगर से पार्षद चुनी गई शैली ओबेरॉय को मेयर पद के लिए चुना गया है। इसके अलावा मटिया महल से पार्षद चुने गए मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर पद के लिए चुना गया। साथ ही 4 स्टैंडिंग कमेटी मेंबर भी चुने गए हैं। इसमें करावल नगर से पार्षद अमील मलिक, हरिनगर से पार्षद रमनिंदर कौर, सीमापुरी से पार्षद मोहिनी जीनवाल, जंगपुरा से पार्षद सारिका चौधरी शामिल हैं। दिल्ली नगर निगम के महापौर चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मेयर के लिए 6 जनवरी को मतदान होगा, जिसके लिए नामांकन दाखिल करने की 27 दिसंबर आखिरी तारीख है। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 6 जनवरी को नगर निगम की पहली बैठक बुलाने के लिए प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दी है। वर्तमान में आम आदमी पार्टी के पार्षद 134 पार्षद हैं। मेयर चुनाव में 250 पार्षदों के साथ 10 सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और 7 लोकसभा सांसद और 13 विधानसभा सदस्य भी मतदान करेंगे, यानी कुल 273 वोटर मेयर चुनाव के लिए वोट करेंगे। वर्तमान में आम आदमी पार्टी के 134 और 3 राज्यसभा सांसद हैं। 4 दिसंबर को हुए एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीट पर बहुमत हासिल की, जबकि भाजपा ने 104 पर और वहीं कांग्रेस ने 9 सीटों पर अपना कब्जा जमाया और वहीं 3 सीटें अन्य के खाते में हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर